या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। सवाल था जलना शहर का, यह जगह का नाम है, और इनका कहना यह है कि ज़कात के पैसे यतीम भांजी की शादी वगैरह में कोई चीज़ देकर दे सकते हैं, यानी शादी में देना कोई सामान का, तो उससे ज़कात अदा हो जाएगी। तो किसी को भी अगर शादी में जो है कोई ऐसा सामान दे दिया जाए, मालिक कर दिया जाए कि वाकई वो यानी उस लेवल का पैसों का कीमती भी हो, तो अदा हो जाएगी। और जनरली तो ऐसा सामान ही शादी में दे दिया जाता है, घर गृहस्थी का कोई ऐसा सामान, चाहे वो कपड़े हों या जेवरात हो, कि जिससे ज़कात अदा हो जाएगी। तो इसलिए अगर शादी में किसी लड़की को जो शरई फ़कीर हो, जिसके पास निसाब तक माल ना हो, उसको अगर शादी के मामले में कोई जेवर वगैरह या कोई दूसरे तोहफे वगैरह उसके दे दिए जाएं, या कपड़े या कैश भी दे दिए जाए, तो ज़कात अदा हो जाएगी। और यतीम जो होता है वो नाबालिग तक होता है, जब वो बालिग हो जाता है तो फिर उसको यतीम नहीं कहा जाता। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।